हमारे घर का मंदिर और आप देख रहे हैं कि आज जन्माष्टमी की डेकोरेशन हम लोग यहीं पे करने वाले हैं। इस तरह से टेबल ले लिया है और येलो कलर का दुपट्टा डाला है इस पर। आप चाहें तो कोई येलो कलर का दुपट्टा या कोई टेबल के अकॉर्डिंग बड़ा कपड़ा ले लें और कलरफुल पेपर्स के साथ इस टेबल को डेकोरेट करें जन्माष्टमी के लिए। और उसके बाद सारे डेकोरेशन आइटम्स उसके ऊपर रख सकते हैं। ये हमारे लड्डू गोपाल और उनका झूला, और स्नान करवा कर हम लोगों ने इनको वस्त्र पहना दिया है और झूले में रखा है। इन पर आप चंदन का तिलक और फूल माला वगैरह चढ़ा सकते हैं। इसके बाद अभी हम लोग बाकी आइटम्स भी की भी तैयारी कर रहे हैं, उसको डेकोरेट कर रहे हैं। पूरा टेबल अभी हम लोग तैयार करेंगे, काफ़ी अच्छे से डेकोरेट करेंगे। और टेबल पे आप लड्डू गोपाल के अलावा राधा कृष्ण की भी मूर्ति रखें और बाकी आइटम्स भी लगा सकते हैं जो कि टेबल पे काफ़ी देखने में सुंदर और अट्रैक्टिव लगते हैं। और ये आप राधा कृष्ण की मूर्ति देख रहे हैं, इस तरह के आइटम्स आप ज़रूर रखें साथ में, काफ़ी अच्छा लगता है। तो प्लेट में खीरा है, फल है, मिठाई है, ये रखना ना भूलें। पांच तरह का फल है, मिठाई है, ये सब लगा सकते हैं उनको, उसका भोग लगा सकते हैं। तो चलिए अभी हम सुबह की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। हाय गाइस, दिस इज वैशाली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लाइमलाइट्स वैशाली। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी जन्माष्टमी। आज है जन्माष्टमी तो सुबह सुबह अभी हम लोग रेडी हो गए हैं और मॉर्निंग की पूजा के लिए सारी तैयारी हो रही है। आप देख रहे हैं सारा सब डेकोरेट कर रहे हैं जन्माष्टमी के लिए, और अभी और करना बाकी है। तो अभी बस फटाफट से नहा धो के हम लोग अभी बस पूजा की तैयारी कर रहे हैं। मॉर्निंग पूजा करेंगे, उसके बाद पूरा डेकोरेट करेंगे और फिर शाम को बहुत ही अच्छे से पूजा पाठ होगी। तो अभी फिलहाल मैंने अभी इतना ही डेकोरेट किया है। तो इस तरह से मैंने कृष्णा जी को मुकुट और फूल वगैरह चढ़ा दिया है, माला चढ़ा दी, और अब पूजा शुरू करते हैं। मंदिर का स्थान छोटा है तो आप इस तरह से टेबल रख लीजिए और उसके ऊपर पीला वस्त्र वगैरह इस तरह से डालिए, कलरफुल पेपर्स लगा लीजिए, साथ ही कृष्ण जी के ऐसे झूले हैं उसको ज़रूर लगाइए, क्योंकि झूले का भी विशेष महत्व होता है और इस खीरे का भी विशेष महत्व होता है उनके जन्मदिन को लेकर। और उनकी इस तरह से प्रिय बांसुरी बहुत उनकी ज़्यादा ही प्रिय कृष्ण वो ज़रूर उनके पास रखें। और इनका जो छोटा सा रूप है लड्डू गोपाल का, सुबह सुबह अपने जल से, गंगा जल से स्नान करवा दीजिए, दूध से, शहद से, उसके बाद उन्हें वस्त्र पहनाइए और फूल अर्पण करिए, अक्षत वगैरह भी आप कर सकते हैं, और फिर उनके बाद फूल माला वगैरह डाल के पूजा करिए और आरती वगैरह करके पूजा को सम्पन्न करें। फिलहाल तो अभी पूजा हो गई। सो एज यू कैन सी गाइज कि अभी कृष्ण जी के लिए हम लोग भोग की तैयारी कर रहे हैं, सारा खाने का इंतजाम हो रहा है, साथ में आस्था है हमारी सिस्टर है, वो व्रत हैं, हम भी व्रत हैं, और इसलिए व्रत में जो साबूदाना की खिचड़ी वगैरह बनाई जाती है मूँगफली का दाना वगैरह डाल के, वो हम लोग अभी बना रहे हैं और आप देख सकते हैं। और अभी बाकी खाने का इंतज़ाम हो रहा है, पनीर की सब्जी वगैरह है, तो अभी काफ़ी कुछ बनना बाकी है, जैसे कि खीर है और हलवा है, बहुत कुछ बनेगा, पूड़ी वगैरह है, तो काफ़ी आइटम्स के साथ हम कृष्ण जी का भोग लगाने वाले हैं।
तो अगर आप व्रत हैं तो आप खिचड़ी के साथ साथ आप फ्रूट्स वगैरह ट्राई कर सकते हैं, 3-4 तरह के फ्रूट्स खा लीजिए, या फिर जो सिंघाड़े का आटा आता है उसका आप चिप्स वगैरह बना के खा सकते हैं, जो भी कुछ मतलब फास्ट वगैरह में खाया जाता है हम सब खा सकते हैं। पकौड़ी वगैरह भी बन जाती है, बस नमक हमें देखना होगा कि व्रत में जो नमक खाना रहता है बस वही खाना है हम लोगों को, नहीं व्रत वाला नमक होगा। हाँ, व्रत ही वाला नमक बोल रहे हैं कि व्रत वाला नमक हम लोग खा सकते हैं डाल के, सेंधा नमक जिसे कहते हैं। और इस तरह से हम लोग भोग की तैयारी कर रहे हैं और अभी बहुत कुछ बाकी है, तो चलिए फिर आपको हम लोग पूरा डेकोरेट करके तैयारी करते हुए सारी चीज़ें। तो डेकोरेशन का काम जन्माष्टमी के लिए शुरू हो चुका है। सो गाइज, अभी हम लोग पूरी डेकोरेशन करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ डेकोरेशन का काम चल रहा है और सब लोग अभी तैयारी कर रहे हैं। मेरे साथ मेरी सिस्टर है, आस्था है, मेरी नीज है और श्रद्धा। और अभी हम लोग शाम की तैयारी के लिए जन्माष्टमी के लिए सारी डेकोरेशन कर रहे हैं। थोड़ा बहुत अभी काम हो गया है पर अभी तैयारी चल रही है। और गाइस अभी यहाँ पे सजा रहे हैं और अभी ये बहुत अच्छा सा तैयार हो जाएगा। हमारी लाइन लाइट सजा रही है। So you can see के डेकोरेशन कंप्लीट हो चुका है। अभी शाम की पूजा की भी तैयारी आप देख रहे हैं हो रही है। इस तरह से वस्त्र हम लोग ले लिए हैं कृष्ण जी को चढ़ाने के लिए, उनका मुकुट है, चुनरी है और वस्त्र तूल वगैरह है, मुकुट है, बांसुरी है, ये सब कुछ हम उन पर अभी चढ़ाएंगे। बस कुछ ही मिनट में 12 बज चुके हैं और हम लोग पूजा के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। कृष्ण जी के सॉन्ग चल रहे हैं तो वॉइस क्वालिटी आपको इतनी क्लियर नहीं आ रही होगी, बट काफ़ी सब कुछ सज चुका है और बस उनके जन्म उनका बर्थडे का फर्स्ट टाइम हो चुका है, उनका जन्म के लिए पूरी तैयारी की जा रही है। पूजा की जो खीरे में जो जन्म होता है कृष्ण जी का, वो किसी के सामने हम नहीं कर सकते हैं, इस तरह से अक्सर कपड़ों के साथ ही हम उनका जन्म करवाते हैं। हम बर्थडे का सेलिब्रेट करेंगे। Hare Krishna Murari।